क्या आदि पुरुष में वाकई अजय देवगन शिव के किरदार में नजर आने वाले हैं क्या ये खबर सच है क्या होने वाली है आदि पुरुष की खास बातें क्या है प्रभास की अपकमिंग फिल्में हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में हूँ सोनी का जयाल साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग थ्री फिल्म आदि पुरुष को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है फिल्म में सैफ अली खान को बतौर लंकेश कास्ट किया गया है और लक्ष्मण के किरदार के लिए कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म में नजर आ सकते हैं ओम राउत के निर्देशन में ये फिल्म बन रही है और अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है बीते दिनों खबरें आई थी कि अजय देवगन को इस फिल्म में शिव के रोल में देखा जाएगा शिव उससे शायद कनेक्ट कर लिया था शिव वाली फिल्म आई थी ना अजय देवगन की तो उससे कनेक्ट कहीं ना कहीं कर लिया होगा लेकिन आपको बता दूँ ये खबर एकदम सच नहीं है झूठी खबर है और ये अफवाह समझ लीजिए शिव के किरदार के लिए वो जो अजय देवगन है वो किरदार नहीं निभा रहे हैं अब शिव का किरदार कौन निभाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा इस बात के कयास लगाने लगे थे पहले लोग कि ओम रावत आदि पुरुष में अपनी फिल्म ताराजी धानसिंग वॉरियर के लीड एक्टर हैं क्योंकि अजय देवगन इसलिए ले रहे होंगे लेकिन अजय आदि पुरुष का हिस्सा नहीं है उनके पास पहले से ही कई फिल्मों की भरमार है संजय लीला भंस सालिक और आर्या भट्ट स्टार फिल्म में नजर आने वाले गंगूबाई बाई काछियावाड़ी जो कि 10 दिनों का काम उस फिल्म का बाकी है उसके बाद भूज द प्राइड ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिलीज़ होने की कगार में है डिजनी प्लस हॉट में उसके बाद मैदान उनकी आनी है चाणक्य उनकी आनी है तो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं अजय देवगन की और गोलमाल फाइव की खबरें भी आने लगी है सिंगम थ्री की खबरें भी आने तो बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी फिल्में हैं अजय देवगन की वहीं आदि पुरुष के जो निर्माता है भूषण कुमार जिन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर को भी बैक किया था ख़बरों के अनुसार इस फिल्म का बजट जो आदि पुरुष है वो 400 करोड़ का इसका बजट होने वाला है फिल्म की शूटिंग अगले साल 2021 में शुरू होगी वहीं इसकी रिलीज़ जो है वो 2022 तक होगी फ़िल्म को तेलुगू हिंदी तमिल कन्नड़ा और मलयालम में तो रिलीज़ किया ही जाएगा लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इन्हें फॉरेन लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ किया जाएगा यानी कि इंटरनेशनल टाइप की फ़िल्म बनने वाली है और प्रभास जो है हमारे बाहुबली प्रभास वो एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिन्हें इंटरनेशनली लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाहुबली के बाद तो उनका अलग ही और बन चुका है और हर कोई प्रभास को बड़ी स्क्रीन पर जल्द से जल्द देखना चाहता है इसीलिए प्रभास ने भी अपने फैंस को खुश करने के लिए एक के बाद एक लगातार फिल्में अनाउंस की जैसे कि राधे श्याम प्रभास ट्वेंटी वन ट्वेंटी तो पाँच फिल्में वो अनाउंस कर चुके हैं लगातार राधे श्याम का ट्वेंटी अक्टूबर को उनका बर्थडे है तो उनका मोशन पोस्टर भी आना है ये खुद प्रभास ने अनाउंस किया है लगा और लगातार वो बने हुए अपने फैंस को अपडेट दे देने में अभी राधे की राधे श्याम की शूटिंग चल रही है इटली में और वहां पर पूरे प्रिकॉशन ले रहे अभी टीम की तरफ से भी ये बातें सामने आई थी कि नो हक पॉलिसी आ चुकी है यानी कि कोई जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना सब एक दूसरे से मिलते एक दूसरे को गले से गले लगाते हैं किस करते हैं तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं की जाएंगी नो किस पॉलिसी नो हक पॉलिसी आ चुकी है और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे इसके अलावा पूजा श्याम नजर आएंगी जिनका भी एक लुक शेयर किया गया है, उनके के मौके पर, जिसमें वो है वो जल्द आएगा तेईस अक्टूबर को तो हमें तो बड़ा इंतजार हो रहा है उस दिन का वैसे दोस्तों आपको आदि पुरुष का कितना हो रहा है प्रभास की तमाम फिल्मों का कितना इंतजार रहता है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने बता देना है और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को